हरे कृष्ण राधे राधे भाई लोग। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को यहाँ पे शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहूँगा, आप मेरी ट्रेडिंग स्टाइल को बिल्कुल भी कॉपी ना करें, बट हाँ आप नॉलेज को हमेशा एक बंदे से दूसरे बंदे का कॉपी कीजिए। मतलब अगर आपको कुछ सीखना है तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, बट ट्रेडिंग स्टाइल कभी भी किसी बंदे का कॉपी नहीं करना चाहिए। बिकॉज ऑफ यहाँ पे कोई एक बंदा एक ट्रेड लॉस करने के बाद यहाँ पे दो ट्रेड लगाता है, कोई एक ट्रेड लॉस करने के बाद कोई भाई छः ट्रेड लगा देते हैं, और कोई एक ट्रेड लॉस करने के बाद भाई अमाउंट भी इंक्रीज नहीं करते, सेम अमाउंट पर ट्रेड करते हैं। तो आपको अपनी ट्रेड स्टाइल अपने हिसाब से बनानी होती है, ना कि किसी और को देख के इंस्पायर होना होता है। ठीक, आप अपने खुद से ट्रेड कीजिए और खुद का आपका स्टाइल होना चाहिए, बट हाँ आप नॉलेज किसी से भी ले सकते हो। इस वीडियो को देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे हमारा पिछले वीडियो के अंदर कुछ लॉस लगा था, सो उसको मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे, और वहाँ पे OTC प्ले कर रहा था और इसके अंदर भी हमारा OTC ही प्ले कर रहा है, और ये कैंडल अगर हमारी एक करंट यहाँ पे है एग्जैक्ट यहाँ पे क्लोज हो जाती है तो हम एक अपवर्ड की ट्रेड प्लेस कर देंगे। बट ओके, यहाँ से हमें ग्रीन की कैंडल की एंट्री देखने को मिल रही है, बट मेरे हिसाब से तो डाउन ही जाना चाहिए। बिकॉज मार्केट का जो रूल और यहाँ पे कंडीशन बोला जा रहा है भाई, मार्केट का जो टारगेट है वो डाउन के लिए, उसका मैं आपको सिंपल से बता देता हूँ। देखो यहाँ पे ऊपर आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा जहाँ से मार्केट टकरा के आ रही है, प्लस मार्केट में सेलर का पावर ज़्यादा है, बायर्स दो ही आए थे उनको रिट्रेसमेंट बना दिया। यहाँ पे मैंने एक डाउनवर्ड की ट्रेड प्लेस कर दी है, बट जो अपना दिल बोलता है भाई ये कैंडल ग्रीन बनेगी, बट फिर भी मैंने डाउनवर्ड का ट्रेड प्लेस किया है। या फिर मैं अगर आपको बोलूँ यहाँ पे अवॉइड ही करना चाहिए, हमें ट्रेड प्लेस नहीं करना चाहिए, बिकॉज जो प्राइस एक्शन बोल रहा है वो मतलब बोल रहा है भाई हमें एक अपवर्ड की ट्रेड प्लेस करना चाहिए, और जो मार्केट का टारगेट बोल रहा है, टारगेट बोल रहा है भाई हमें डाउनवर्ड की ट्रेड प्लेस करनी चाहिए। तो कभी भी बीच में इंटरप्ट होता है या फिर मार्केट अपोजिट डिसीजन दे रही है एक दूसरे के, तो आपको वहाँ पे ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हो अभी डीप विनिंग चल रही है, बट यहाँ पे भी कुछ बोला नहीं जा सकते। 50-50 ट्रेड का मतलब ये होता है भाई लास्ट में पड़ जाएगी, और वो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो लास्ट के 10 सेकंड में आप मार्केट पलट चुकी है इतना डीप विनिंग के बावजूद। मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे 50-50 का सीन था, मैं ट्रेड प्लेस नहीं करना चाहिए था, बट फिर भी मैंने यहाँ पे एक डाउनलोड ट्रेड प्लेस की दी, और मैंने आपको पहले बोला था कि कैंडल ग्रीन ही बनेगा, मैंने गलत ट्रेड प्लेस कर दी। और उसके बाद यहाँ पे मैंने यहाँ पे अगेन अपोर्ट की दो ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दी, आई थिंक तीन हो गया जो भी हो, तो शायद तीन ही है, मैंने तीन ट्रेड प्लेस कर दी। उसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक मैं बताता हूँ। मार्केट को जब नीचे आने का मौका मिला तो मार्केट नीचे नहीं आई, अब मार्केट ऊपर जाना चाह रही, तो भाई अब मार्केट को ऊपर जाना ही होगा। ठीक, यहाँ पे जो करंट कैंडल है ये ग्रीन बनाना चाहिए, हर एक कंडीशन यहाँ पे बोला जा रहा है भाई ग्रीन बनेगा ही बनेगा। ठीक, अब लॉस हो जाए हम उसको साइड कर देंगे, बट यस मार्केट का जो रूल है और टारगेट है और प्राइस एक्शन है सब कुछ यहाँ पे बोल रहा है कि भाई मार्केट अपवर्ड जाएगी। उसका सिंपल से मैं आपको बता देता हूँ भाई, जब सेलर कंटिन्यू करना चाह रहे थे तो तुमको कंटिन्यू कर देना चाहिए था, बायर को आने का मौका नहीं देना चाहिए था। प्लस मार्केट के अंदर अभी एक अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे सेलर को बायर्स वापस कमबैक कर गए हैं, तो हमें यहाँ पे बायर के फेवर में ही जाना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हो हम वेट करते हैं, और अभी यहाँ पे हमारी ट्रेड विनिंग ही चल रही है, बट ओके ये विन हो जानी चाहिए, लास्ट के 10 सेकंड बाकी हैं अभी भी, और 9-8-7 ओके यहाँ पे सेलर की एंट्री आ चुकी है और ये ट्रेड लॉस होते हुए ओके फाइनली ओके देख सकते हो लास्ट यहाँ पे 2 सेकंड के अंदर यहाँ पे इन्होंने हमारा ट्रेड लॉस कर दिया, लास्ट के 2 सेकंड में ही ये ट्रेड पलटी है। बट ये जो करंट कैंडल थी हमारी एक ग्रीन की प्रिडिक्शन थी, और अभी यहाँ पे इससे मैं पता चल गया भाई नीचे सेलर्स आना चाह रहे हैं, और यहाँ पे हमने फिर से अपना 3-4 ट्रेड यहाँ पे मैंने डाउनलोड के ट्रेड प्लेस कर दिए। ठीक, तो यहाँ पे मैंने डाउनलोड के ट्रेड प्लेस क्योंकि है वो मैंने अमाउंट भी इंक्रीज कर दिया है। मैंने डाउनलोड के ट्रेड इसलिए प्लेस की कि भाई जब बायर को आने का मौका मिला था तो बायर नहीं आया, वापस सेलर्स आ चुके हैं, तो हमें सेलर के फेवर में ही जाना है। ठीक, अब मैं वापस सेलर के फेवर में क्यों जा रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। बिकॉज जो मार्केट का पहले टारगेट था, वो पहले टारगेट था मार्केट का डाउनवर्ड जाने का, और मार्केट डाउनवर्ड ना जा पाई तो मार्केट अभी टारगेट तो डिसाइड नहीं की थी बट ऊपर जाना चाह रही थी, इसलिए यहाँ पे मैंने अपवर्ड का ट्रेड प्लेस किया था पिछले ट्रेड के अंदर। बट यहाँ पे वापस से सेलर की कैंडल आ गई है, अब ये डिसाइड करती है भाई हमें नीचे ही जाना है, टारगेट भी नीचे जा रही है, कैंडल भी नीचे जा रही है, और प्राइस एक्शन भी बोल रहा है भाई हमें डाउनवर्ड की ही ट्रेड प्लेस करो। यहाँ पे सारी चीज़ें फुलफिल हो रही है, तो ये हमारा एक श्योर ट्रेड हो जो कि अभी यहाँ पे 100% विन हो जाएगा। ठीक, और हमारा पिछला भी जो लॉस है वो भी कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे वेट करते हैं 4-3-2 और यहाँ पे बायर की एंट्री हो रही है, बट ओके यहाँ पे फाइनली इन्होंने फुलफिल कर दिया है, और ये हमारी एक ट्रेड विनिंग ट्रेड में कन्वर्ट हो चुकी है, जो कि यहाँ पे अभी हमारा लॉस कवर हो चुका है। और जो करंट कैंडल है ये भी हमारी एक रेड कैंडल बनेगी, बिकॉज पिछले कैंडल के अंदर सेलर बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, और अभी मार्केट का जो टारगेट है वो फुलफिल नहीं हुआ है। पिछली जो हमारा एक हैमर, एक ग्रीन हैमर जो कि आप देख रहे हो जहाँ से बायर की एंट्री हुई थी, उसका जो लेवल है वो उसमें भी बहुत बड़ा गैप है, और मार्केट के टारगेट में भी गैप है, मतलब गैप अभी बहुत है। सो ये करंट रेड कैंडल बनके इस गैप को फिल करेगी, और हम उसी का वेट कर रहे हैं, बट मुझे एंट्री नहीं मिली, सो यहाँ पे मैंने मिस कर दिया। एंड यस, मैं वेट ही कर रहा था और यहाँ पे मेरी एंट्री मिस हो चुकी है, यहाँ पे मैं ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे ये, बट करंट कैंडल हमारी रेड बननी चाहिए, देखते क्या बनता है, वेट करते। बट जो रेड ये ओके बायर्स वापस कमबैक कर रहे हैं, जो कि इंडिकेट कर रहा है भाई अगली कैंडल पे बायर्स आने वाले हैं, बट हम डायरेक्टली बायर को नहीं बुला सकते, हमें कोई लेवल चाहिए होगा या फिर हमें कोई प्राइस एक्सर का यहाँ पे सिनेरियो चाहिए होगा, तभी हम बायर को ला सकते हैं। ठीक,
और यहाँ पे देख सकते हो सेलर ने अपनी पूरी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्रिएट कर दी है ठीक, और यहाँ पे इन्होंने पूरा फुलफिल कर दिया। और जैसा कि यहाँ पे हमारा ओके यहाँ पे बायर आ चुका है एकदम लास्ट मोमेंट में, यहाँ पे बायर्स ने एंट्री की है जो कि यहाँ पे भाई इंडिकेट कर रहा है कि ये OTC प्ले कर रहा है और यहाँ पे हमें अभी अपोजिट ट्रेड ही प्लेस करना है। भाई मार्केट का जो टारगेट था वो तो डाउनवर्ड का ही है और अभी भी डाउनवर्ड का ही है। आप सोच रहे हो भाई ग्रीन कैंडल बनने से आपने यहाँ पे ग्रीन का ट्रेड लगाया, भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहाँ पे भाई मार्केट OTC प्ले कर रहा है, जो करंट अपनी पिछली कैंडल थी वो एक 100% रेड कैंडल है और वो भी एक रेड डोजी होगी, बट OTC आप इन्होंने ग्रीन डोजी क्रिएट किया ताकि आपका लॉस लग सके ठीक। तो यहाँ पे मैंने एक अपोर्ड की ट्रेड प्लेस कर दिया, उसके पीछे का बहुत ही सिंपल सा रीजन है भाई OTC प्ले कर रहा है सो इसलिए यहाँ पे मैंने एक अपोर्ड की ट्रेड प्लेस कर दिए और ये हमारी जो ट्रेड है ये हमारी एक विनिंग ट्रेड होनी चाहिए ठीक। देखिए यहाँ पे बेसिकली सिंपल सा रीजन क्या था, पिछले मार्केट में यहाँ पे एक हमारा इवनिंग स्टार का की लेवल है प्लस हैमर का जो लेवल था वो यहाँ पे फुलफिल करने गए थे और बायर्स की एंट्री हो गई थी, सो यहाँ पे मैंने एक अपोजिट ट्रेड यहाँ पे प्लेस की है और ये हमारी विनिंग ट्रेड होनी चाहिए जो कि एक ग्रीन तो बनेगी ही और यहाँ पे फाइनली उन्होंने लास्ट में कैंडल को पलटाते हुए एक ग्रीन कैंडल क्रिएट कर दिया है और ये हमारी ट्रेड विनिंग हो चुकी है। अभी जो करंट कैंडल है ये हमारी देख सकते हो ये इसमें बायर बहुत तगड़े आए हैं पिछले दो कैंडल में, तो इसमें बहुत स्ट्रॉन्गली बायर आने वाले हैं जो कि यहाँ पे ओके फाइनली आ भी चुके हैं और इनकी पावर बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रही है 47-46 ओके ये देखो फाइनली यहाँ पे बायर बहुत तगड़े एंट्री कर चुके हैं। बट आप सोच रहे हो भाई यहाँ पे अपने ट्रेड क्यों नहीं प्लेस किया जब आपको पता था, तो भाई ये आप कभी भी ऐसे डायरेक्टली ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं आप धोखा खा जाओगे जैसा कभी पिछले मैंने दो ट्रेड में खाया है और OTC यहाँ पे प्ले कर रहा है जो कि मुझे यहाँ पे लग रहा है जो कि मैंने इसे पिछले जो आप थर्ड ग्रीन देख रहे हो यहाँ पे पिछले का थर्ड ग्रीन जो कि एकदम डोजी बनी है तो वो वहाँ पे OTC ने ही प्ले किया था इसलिए यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ। और ये जो करंट कैंडल है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है जो कि मार्केट का एक एग्जॉस्ट कैंडल बता रही है या फिर मार्केट का एक पावर मारुबुजु कैंडल बता रही है ठीक। तो हमें यहाँ पे बस वेट ही कर सकते हैं, इसके बाद हम ट्रेड बिल्कुल भी नहीं प्लेस कर सकते। बट मेरे को मन हो रहा है भाई यहाँ पे ट्रेड प्लेस करने का जो कि मैं एक डाउनवर्ड की ट्रेड प्लेस करूंगा और मैं इस बेस पर ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, मार्केट का ये एग्जॉस्ट कैंडल है और यहाँ पे मैं एक डाउनवर्ड की ट्रेड प्लेस कर देता हूँ और पीछे हमको एक गैप का भी लेवल है थोड़ा ऊपर जाए ओके, तो यहाँ पे मैंने एक डाउनवर्ड की ट्रेड प्लेस कर दी है और अगर कैंडल और ऊपर जाती थी मैं एक और डाउनवर्ड की ओके यहाँ पे मुझे एंट्री मिल चुकी है, मैं फाइनली यहाँ पे फिर से मैंने एक डाउनवर्ड की ट्रेड प्लेस कर दी है। अब ये लॉस हो जाए प्रॉफिट हो जाए उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बट यहाँ पे देखो मार्केट का पीछे गैप का लेवल है तो गैप के लेवल के नीचे ही इसको क्लोज रखना चाहिए और मार्केट का जो टारगेट है वो भी फुलफिल हो चुका है, तो जो करंट कैंडल है इसको एक रेड बन जाना चाहिए। बट यहाँ पे मैं ट्रेड बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए, उसके पीछे का एक रीजन है जो कि हमारी पिछली कैंडल है, पिछली कैंडल इतनी स्ट्रॉन्ग जो कैंडल बनी है इसको आप बता नहीं सकते भाई ये एक मारुबुजु कैंडल है कि एक एग्जॉस्ट कैंडल है। सो यहाँ पे मैं एक कैंडल अवॉइड करके उसके बाद ही हमें मार्केट को रिवर्स करना चाहिए, बट यहाँ पे मैंने टुक्का ही मारा भाई, ये रियली मैंने टुक्का मारा है, देखते प्रॉफिट हो जाए तो अच्छी बात है बट देख लेते हैं जो होगा देख लेंगे, लॉस तो हम रिकवर कर लेंगे। हमें यहाँ पे एक कैंडल ये वेट करना चाहिए था जो हमारी करंट रनिंग कैंडल है, उसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया कि आप डायरेक्टली कभी भी एनी टाइम आप मार्केट एग्जॉस्ट हुई है कि मार्केट में मावरा हुआ है ये आप हर जगह नहीं बता सकते, कहीं कहीं आपको पता चल जाता है बट आप हर जगह इसको नहीं बता सकते और मार्केट ने पूरा टारगेट फुलफिल कर दिया। यहाँ पे मैंने 450 के राउंड नंबर से यहाँ पे मैंने MTG लगा दिया है और यहाँ पे मैंने चार ट्रेड भी लगा दिया है ओके, सो हमारा दो ही ट्रेड लगाए ओके ठीक है, तीन ट्रेड हमने यहाँ पे प्लेस किया है, चार नहीं तो तीन ट्रेड यहाँ पे हमने प्लेस किया है और हमारा लॉस इस बार रिकवर हो जाएगा। हमें यहाँ पे एक कैंडल का वेट करना चाहिए था। अब यहाँ पे ये ट्रेड मैंने क्यों प्लेस की वो मैं बता देता हूँ, मार्केट का जो टारगेट है वो फुलफिल हो चुका है और मैंने इससे पहले जो शॉर्ट पैटर्न शेयर किया था उसके बेस पे यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है और थर्ड जो है मार्केट एक अपट्रेंड के अंदर एक मारुबुजु कैंडल बनाती है और उसके बाद गैप डाउन करती है और मारुबुजु लास्ट के कुछ सेकंड में बनती है तो यहाँ पे हमारी अगली कैंडल रेड बनती है वो है और गैप का लेवल ब्रेकआउट होता है उसके बाद भी मार्केट रिवर्स करती है। बहुत सारे रीजन है यहाँ पे, मैंने आपको चार रीजन एक्सप्लेन कर दिए हैं जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो और ये जो करंट कैंडल है वो हमारी यहाँ पे एक रेड कैंडल में कन्वर्ट हो चुकी है और इसके विन होते ही यहाँ पे हमारा सारा लॉस कवर हो जाएगा और हमें ये वीडियो को एंड करना चाहेंगे ठीक। यहाँ पे 13 ओके 12 10 और अभी भी यहाँ पे अब तो ये रिवर्स होना बहुत ही मुश्किल है और यहाँ पे फाइनली जो हमारा ट्रेड है वो विन होते हुए यहाँ पे लास्ट के 3-2-1 यहाँ पे फाइनली ट्रेड हमारा विन हो चुका है ठीक। तो बस यही हमारी छोटी सूडो एंड अगर आपको भी लॉस रिकवरी करना है, वैसे मैं लॉस रिकवरी का आपको 100% गारंटी नहीं दे सकता बट अगर आपको प्रॉफिट ही करना है तो आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आईडी मिल जाएगी, आप उस आईडी से अपना कोटेक्स आईडी क्रिएट कीजिए और मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, मैं आपको अपने फ्री VIP ग्रुप के अंदर एड कर दूंगा जहाँ पे मैं आपको कंपाउंडिंग करा देता हूँ। ये आप देख सकते हो कल के रिजल्ट यहाँ पे हमने कंपाउंडिंग कराया था, उससे पहले कि आप लोग कुछ रिजल्ट्स यहाँ पे देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, ख्याल रखना फ्रेंड्स एंड फैमिली का, राधे राधे।